सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम भारत की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और आपको बता दें कि 26 अप्रैल काफी महत्वपूर्ण दिन है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो होनी है और इसको लेकर के पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि ईवीएम से लेकर सभी प्रशासनिक कर्मचारी जो है वो सभी लोग अपने अपने काम जो है वो पूरे कर चुके हैं। ईवीएम की पूरी चेकिंग जो है वो हो चुकी है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जिस तरीके से पहले चरण के दौरान कई ऐसी परेशानियां जो है वो सामने आई थी, कुछ जगहों से ईवीएम खराब होने की भी सूचना मिली थी, तो उस मद्देनजर पूरी तैयारियां सेकेंड फेज को लेकर के किया जा चुका है। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ मौजूद है, जो की इस वक्त पुरनिया में मौजूद है और वहां की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। पुरनिया सीट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय चुनाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा यहां पर देखने वाली ये बात है कि पप्पू यादव, जो कि इंडिया अलायंस के ही एक सहयोगी दलों में से एक बन चुके हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने अपने पार्टी का यहां पर पूरी अपने पार्टी को इसमें कांग्रेस में पूरी तरीके से ये कर दिया था। उसके बाद वहीं दूसरी ओर बीमा भारती की अगर बात करेंगे तो बीमा भारती को यहां पर आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया था। कन्हैया कुमार के साथ भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। लालू यादव एक बड़ी राजनीति जो है वो वहां पर खेलते हुए नजर आए और खास तौर पर उन सीटों पर जहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही थी अपने प्रत्याशियों को लेकर के। संजय, हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर आज की बात करेंगे तो बीमा भारती के पीए के गाड़ी से यहां पर 10 लाख रुपए बरामद हुए थे और ठीक वोटिंग से एक दिन पहले, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर संजय? देखिये, बीमा भारती के जो ये है दो वो जा रहे थे किसी कामों से और उनके गाड़ी स्कॉर्पियो में 10 लाख बरामद किए गए। कुछ प्रचार के जो स्टिकर हैं, प्रचार के जो सामग्रियां हैं वो पकड़ी गई है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता जो है वो पहले से लगा हुआ है। और बता दें कि चुनाव प्रचार जो है 2 दिन पहले ही थम गया था और उसके बावजूद भी जिस तरीके से समर्थकों के बीच जा रहे थे, जो वोटरों के बीच जा रहे थे, उनकी गाड़ियां में पैसे रखे गए थे, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि ये पैसे उन जनता के बीच बांटने की कोशिश की जा रही थी, प्रलोभन किया दिया जा रहा था। यानी दलबल का जो सिलसिला है बिहार में वो लगातार देखने को मिल रहा है। जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे धन बल और दल बल की जो है वो प्रयोग किए जाते हैं, ऐसी होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, हम किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन इसका प्रयोग जो है कह सकते हैं कि पूजा सब चीज़ों को लेकर जो है सवाल खड़े होते हैं और कोई और नहीं बल्कि उनके प्रत्याशी जो होते हैं, उनके समर्थक जो होते हैं वो खड़ा करवाते हैं। अगर पुलिस ने उन्हें दो जो उनके पीए हैं उन्हें गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन पर मामला भी दर्ज किया जा सकता है, तो ऐसे में 10 लाख रुपए पकड़े जाना, फिर उसके बाद जो है सवाल तो बनता है कि आखिर क्या दल बल, धन बल और शक्ति जो पावर है उसका इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो रुपौली से विधायक है बीमा भारती, तो ये सवाल बनता है। और चुनाव आयोग ने इस तरह के संज्ञान, अगर अधिक से अधिक गाड़ियां जो है वो आप प्रचार में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गाड़ियों की संख्या दी गई है उसी संख्या के आधार पर ही आप प्रचार कर सकते हैं। अभी काराकाट में देख लीजिए कि पवन सिंह की जो है मामले सामने आए हैं, पवन सिंह को लेकर आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन पर मामला दर्ज कर लिया गया, क्योंकि अधिक संख्या में उनके साथ जो समर्थक थे, गाड़ियां थी वो देखा गया है और लगातार ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी काराकाट से और उसके साथ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो उपेंद्र कुशवाहा। उसी तरीके से पूर्णिया की बात कर ले तो पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव हैं और आरजेडी से बीमा भारती और एनडीए जदयू से जो प्रत्याशी हैं वो संतोष कुशवाहा हैं, तो वो जीते हुए सांसद हैं। तो मौजूदा जो हालात है बिहार की, पूर्णिया कहीं ना कहीं इस वजह से चर्चा है,
पप्पू यादव को लेकर कि पप्पू यादव ने जब अपनी पार्टी का विलय किया उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें निर्दलीय ही मैदान में उतरना पड़ा और निर्दलीय जब वो मैदान में उतरे तो समर्थकों की भीड़ लग गई और लगातार जिस तरीके से उसको लेकर आपने तमाम जानकारियां दी हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर संजय की, जिस तरीके से अभी वर्तमान में पूर्णिया सीट को लेकर के चाहे बिहार के अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर भी वोटिंग जो है वो कल डाली जाएगी। 26 तारीख का दिन काफी महत्वपूर्ण है। बिहार से ही पहले चरण में ये सूचना मिली थी कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी कम हुआ था। अभी फिलहाल क्या माहौल देखने को मिल रहा है वहां पे वोटिंग को लेकर के जनता में कितना रुझान देखने को मिल रहा है संजय? देखिए पूर्णिया में देख बढ़ सकता है वोट प्रतिशत क्योंकि लोग बदलाव के मूड में हैं और जो वर्तमान में सांसद हैं संतोष कुमार कुशवाहा उन्हें बदलने की लहर है जो पुड़ रही है। हम लगातार जनता के बीच हैं पूर्णिया में और जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं लाइव इंडिया की टीम। तो जनता के मूड जब हमने जाना तो लोगों ने बदलाव के मूड में बात की और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो तो वोट प्रतिशत बढ़ सकते हैं क्योंकि गया और नवादा और जिस तरीके से औरंगाबाद में चुनाव हुए चार लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वहाँ पर वोट प्रतिशत कम देखने को मिला पूजा, लेकिन पूर्णिया में वोट प्रतिशत अधिक देखने को मिल सकती है क्योंकि लोग काफ़ी उत्साहित है और ख़ास तौर पे जो 21,000 से अधिक जो वोटर है नया युवा जो वोटर है 18 से 19 साल के जो पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगे उनके अंदर काफ़ी जोश है उमंग है कि वो चाहते हैं कि अपने मत का जब हम प्रयोग करें तो सही जगह वो वोटिंग करें, यानी अपने जो सांसद चुनने की कोशिश कर रहे हैं जो सांसद चुनने का काम करेंगे वो ऐसे सांसद चुनने का काम करेंगे कि हमारे दुख और सुख में शामिल हों, तो ये चुनने की कोशिश की जा रही है। तो युवा काफ़ी उत्साहित हैं, जो पहली बार वोट करेंगे वो काफ़ी उत्साहित हैं, महिला जो लड़कियां हैं उनमें खाली उत्साहित है। एक सवाल है कि जिस तरीके से इस बार कई नए वोटर्स जो हैं वो भी यहां पर इस बार पहली बार वोट देंगे, तो आखिर उनके बीच जब आप गए तो क्या कुछ चीजें वहां पर आपको देखने को मिली, क्या कुछ उनके प्रमुख मुद्दे, क्योंकि युवा है तो युवा के मुद्दे जो है वो काफी मायने रखते हैं, विकास है या फिर एजुकेशन है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर के इस बार वो वोट करने वाले हैं संजय? देखिए मोदी लहर तो है लेकिन उतना नहीं है जो 14 और 19 में आपको देखने को मिला है। लोग अब स्थानीय मुद्दा इसे बना चुके हैं, स्थानीय जो वोटर हैं जो सांसद चुनना चाहते हैं वो स्थानीय सांसद चुनना चाहते हैं, जो बारी वोटर जो प्रत्याशी हैं जो बारी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं चाहे वो कोई भी हो किसी भी पार्टी और किसी भी दल के हों वो उसे नहीं लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हम ऐसे सांसद चुने जो हमारे सुख और दुख में खड़े हो सकें, हम जब भी उन्हें याद करें तो वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो, ये चाहते हैं युवा। युवा चाहते हैं रोजगार की बात करना, युवा चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो इस देश से, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर देश का कोई हो चुका है तो ये है रोजगार, और जो तेजस्वी ने जंग छेड़ा है वो रोजगार का जंग छेड़ा है। आज सुबह ही तेजस्वी के जो बयान सामने आए उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री रोजगार की बात कर रहे हैं, क्यों लोकतंत्र खतरे में है, आखिर गरीब क्यों गरीब होता चला जा रहा है, ये सवाल जब तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से पूछा और लगातार प्रधानमंत्री से तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जी हाँ संजय, तो मुद्दे से भटकाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कई ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल देखने को मिल रही है। बने रहिए संजय हमारे साथ। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगर बात करेंगे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था और प्रत्याशी के रूप में उनके नाम की घोषणा की थी, लेकिन आज की अगर तस्वीर की बात करेंगे तो आज कन्नौज से खुद उन्होंने अपने नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की और एक बार यहाँ पर हम लोगों को फिर से देखने को मिला। सपा में अभी भी नाम को लेकर के जो कंफ्यूजन था वो देखने को मिल रहा था। और कन्नौज की अगर बात करेंगे तो कन्नौज में सपा प्रमुख खुद अखिलेश यादव जो कि उनकी पुरानी सीट रही है वो एक बार फिर से वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपना प्रदर्शन जो है वो वहां पर दिखाएंगे कि आखिर इस बार उनके साथ क्या होता है। आपको बता दें कि 13 राज्यों के
8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होने हैं, यानी कि 26 अप्रैल काफी महत्वपूर्ण है। कई सारे दिग्गज नेताओं की किस्मत की अगर बात करें तो ईवीएम में कैद होने वाली है, क्योंकि जनता जो है वो कई सारी चीजों को देखते हुए कल वोट करने जा रही है। और हमारे सहयोगी संजय के पास लौटते हैं, क्योंकि संजय के पास कई सारी जनता जो है वो फिलहाल मौजूद है और वो उसी जगह पर मौजूद। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, क्योंकि वहां पर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की ओर से बीमा भारती को अपने प्रत्याशी के रूप में आरजेडी ने उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सिटिंग सांसद जो है वो उन पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है। संजय, क्या कुछ कहती है जनता, क्योंकि कल वोट होने, उनसे जानने की कोशिश करिए संजय। बिल्कुल, यहाँ पे क्रॉस करेंगे पूजा, क्योंकि जदयू के प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा। दूसरी बार कह सकते हैं कि तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है, दो बार जीत कर आए हैं, लोग हैं। इस बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार पूर्णिया का मूड क्या है। सर, पूर्णिया के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? बोलिए, इस बार पूर्णिया का लोग क्या सोच रहे हैं, पूर्णिया के लोग क्या चाहते हैं इस बार? पूर्णिया का लोग तो विकास ही चाहते हैं, और अभी जो विकासशील हैं वो तो मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों का मनसा जो है सो मोदी जी को देख करके ही कुछ कर रहे हैं। चुनावी मैदान में काफी लोग हैं और इस बार पूर्णिया काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरी देश की निगाहें पूर्णिया पर टिकी हुई है, तो क्या इस बार पूर्णिया के लोग क्या किस तरह का मन में रखे हैं सवाल, और क्या चाहते हैं पूर्णिया कैसे विकास करें? अभी तक कितना विकास हुआ और क्या चाहते हैं कि कैसे विकास हो? देखिए, विकास के नाम पर तो मान लिया जाए क्या, जो अभी तक ऐसा कहीं कुछ 10 साल के अंतराल में 10 विकास तो नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ वो मोदी जी के नक्शे कदम पर जो भी विकास हुआ हुआ, भविष्य में भी उन्हीं से उम्मीद है विकास होगा। तो इस बार पूर्णिया के लोग वही पुराने चेहरे पे भरोसा जता रहे हैं, ये कहना मुश्किल है, अभी ये तो कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या विकास होना चाहिए पूर्णिया के लिए, क्या कमियां रह गई अभी तक? अभी तक तो यहाँ देखिए, सबसे लोगों को यहाँ चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अफसरशाही पर कंट्रोल करना, ये तीनों चीज कंट्रोल है ही नहीं, तो निश्चित रूप से पूर्णिया नेता विहीन रहा है। कभी मुलाकात हुई आपको अपने सांसद से? ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी आपके पास गए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो आप कैसा सांसद चुनना चाहते हैं आखिर, आपके मन में? हम लोगों के बीच में जनता के उपस्थित रहे, जो जनता के बीच में उपस्थित रहे। चलिए, कुछ और लोग भी हैं पूजा, उनसे हम जानते हैं कि पूर्णिया का मूड क्या है। चलिए, आपसे भी बात करेंगे, पूर्णिया का मूड क्या है इस बार, पूर्णिया के लोग क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? कैसे विकास होना चाहिए पूर्णिया में, किस तरह का विकास? डॉक्टर, इस समय विकास होने चाहिए, जिसमें कि कोई संसद जी का कोई ध्यान नहीं है इस समय। तो इस बार पूर्णिया के लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह के सांसद चाहते हैं, किस तरह के, देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार? प्रधानमंत्री अपने जगह पे हैं, कह रहे हैं 400 पार, वो तो होगा ही, 400 नहीं 450 पार होगा। लेकिन जहां तक पूर्णिया का बात करते हैं, तो पूर्णिया में तो वही बात बोले ना कि कहीं कुछ भी नहीं है लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री का तो बात ही मत कीजिए, वो तो भारत के भगवान है, वो तो भगवान है। रह गई बात हमारे पूर्णिया के लिए, तो पूर्णिया में अभी तक का जो है 10 साल में 10 कोई काम दिखा दीजिए, 10 कोई काम अच्छा काम हुआ हो, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। 400 पार वाले मिशन में आप हैं? 400 पार वाले मिशन में ही नहीं है, 400 पार तो होना है ही, लेकिन पूर्णिया का भविष्य चुनना हम लोगों का काम है। चलिए, भविष्य चुनना बिल्कुल इनका काम है, और कल
ईवीएम का बटन दबेगा और उसके बाद जो सांसद हैं जो होंगे उनके भविष्य कैद भी होंगे। पूजा, सीधा सवाल, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं पूर्णिया के लिए? पूर्णिया के लिए यही चाहते हैं कि विकास हो, रोड अच्छा बने, एयरपोर्ट सबसे जल्दी बने। एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा मांग है, 10 साल पहले से सुन रहे हर जगह दरभंगा में एयरपोर्ट खुल गया, हर जगह खुल गया, पर पूर्णिया में अभी तक नहीं खुल पाया। एयरपोर्ट खुलने से गरीब लोग भी डेवलप करेगा, कई गोडाउन बनेगा, रेंटल इनकम बढ़ेगा, वर्किंग आएगा, तो यही मांग है। तो क्या इस बार पूर्णिया का मूड क्या है, कौन जीत रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं, मतलब कौन जीत सकता है, मूड क्या है, आखिर जनता क्या चाहती है? जनता जैसा हमको लग रहा है सेंट्रल में मोदी और यहाँ पप्पू यादव। आखिर पप्पू यादव चुनकर जाएंगे तो मोदी जी कैसे चुनेंगे? वो हम लोग का काम है, हम लोग का काम है कि पूर्णिया में हम लोग अपना वो करें, पूर्णिया को नेता चाहिए। कैसा नेता चाहिए? जो कि हम लोग का मांग, जो एयरपोर्ट जैसे आज तक अभी तक नहीं हो पाया है उसका काम। वर्तमान में जो सांसद हैं संतोष कुमार कुशवाहा, क्या आपसे मुलाकात हुई, कभी आपके घर आए, कभी आपने उन्हें देखा? उनको बस जब जब वीआईपी किसी शादी हम अटेंड किए हैं वहाँ पे वो मिले हैं, और बाकी रोड पे कभी फॉर्च्यूनर से गुजरते हैं तो दिखते हैं। कभी आपसे बातचीत हुई? नहीं, कभी नहीं। आप कैसा चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसा नेता हो जिस हम लोग को कभी मदद चाहिए तो उनसे मिल के हम मदद ले सके। तो इस बार बदलाव के मूड में? बदलाव के मूड में हम बीजेपी के भक्त हैं, लेकिन एंटी संतोष कुशवाहा है। इस बार संतोष कुशवाहा को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो 2 बार गलती की है तीसरे टर्म में गलती नहीं करेंगे। तो देखिए लोग, पूजा, इस वक्त पूर्णिया के लोग बदलाव के मूड में हैं, मोदी को पसंद जरूर कर रहे हैं, लेकिन सांसद से कहीं ना कहीं नाराजगियां हैं वो पूर्णिया में दिख रही है, और इस बार बदलाव के मूड में है। कुछ और भी युवा हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है इस बार पूर्णिया का और क्या भविष्य तय करेंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं इस बार पूर्णिया में क्या मूड है। पूर्णिया का माहौल पूरा बदलाव है। पूर्णिया में केवल कैंची चलेगा, केवल कैंची। क्यों? कारण ये है कि पप्पू यादव को हर एक बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी, नौजवान, बच्ची, कहीं पे भी कॉल लगाइए, गरीब, यतीम, मतलब आज के भी डेट में बोला जा रहा था किसी का कोई कांड हो गया था, घर उजड़ लिया था, वहाँ गए, वहाँ पर दबोच लिया गला। अरे भैया वो तो 4 गाड़ी 5 गाड़ी लेकर हमेशा चलते हैं गरीबों की मदद करने के लिए, आप आज उसको पकड़ लिए, सड़क पर भी सड़क पर बैठाना मजबूर कर दिया, बैठने पर कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, केवल पप्पू। लेकिन 400 पार का जो मिशन है उसको, वो तो ऊपर वाली बात है, वहाँ छोड़िए, हम लोग को जमीनी स्तर पे पप्पू यादव चाहिए। हिसाब से क्या पूर्णिया का विकास होना चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए? देखिए विकास की क्या बात करें, कुछ विकास ही नहीं है 10 साल में। जहाँ जाइए मृत्यु प्रमाण पत्र हमको बड़े अब्बा का बनाने जाना था, बात नहीं सुनता है अफसर, सबसे पहला जो है अफसरशाही है, पब्लिक लोकल जो लोग हैं उनकी बात सुना जाए, थोड़ा सा लाइन बाजार का माहौल दुरुस्त होगा। नौजवानों में और खास करके गाँव में जो है, जैसे पप्पू यादव घुसते हैं लगता भगवान आ गया, और बाकी आवाज तेजस्वी ने जो बात कही मन से कि अगर एनडीए इंडिया नहीं तो एनडीए सही, वो बात की बात है, उन बात पे हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोगों को काम करने वाला आदमी चाहिए। 1 करोड़ नौकरी देने की बात तो तेजस्वी भी कह रहे हैं, वो बात की बात है, पूर्णिया उस चीज को अभी कुछ नहीं सुनेगी, पूर्णिया में केवल पप्पिया अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन हमको पूर्णिया के लिए सोचना है, क्योंकि आज विगत 10 वर्षों से जिस स्थिति में हम लोग यहाँ जी रहे हैं वो तो हम लोग समझते हैं, यहाँ नेता है ही नहीं, तो हम लोगों को तो नेता चाहिए। आपके हिसाब से क्या पप्पू यादव को अगर टिकट दे देता तो क्या सही था, या अगर आरजेडी के तनमोत नाक का सवाल हुआ, क्या इसके वजह से तेजस्वी ने इस तरह की बातें की? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तेजस्वी जी ऐसे नहीं है, तेजस्वी जी अच्छे नेता है, युवा का अच्छे नेता है, रह गया यहाँ पूर्णिया का। पूर्णिया में पप्पू यादव को लोग इसलिए चाह रहा है क्योंकि वो हमेशा सबके बीच में उपस्थित रहते हैं और हर एक समस्या में वो खुल करके योगदान देते हैं, तो भाई वो ना नेता हुआ। और माइक दे दीजिएगा, अगर संतोष कुशवाहा एयरपोर्ट बनवा दिए होते अभी तक तो संतोष कुशवाहा को वोट दे देते हैं निश्चित।
ये गुस्सा या आक्रोश उस वजह से है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और एयरपोर्ट से बस गरीब का अमीर का भलाई नहीं होगा, गरीब का भी भलाई होगा, गरीब को भी काम मिलेगा। एयरपोर्ट के कारण जो वेयर हाउस गोडाउन मिले बनेगा तो उसमें लेबर भी तो काम करेगा, रेंटल इनकम बढ़ेगा, बहुत सारा टाइप का इनकम है जिससे इनकम बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। क्या लगता है पूर्णिया में क्या होना चाहिए? आप आगे आ जाइए, क्या विकास होना चाहिए? पहले तो रोड का जो यहाँ का स्थिति जो है बहुत खराब है, जैसे बारिश के टाइम में पूरा मोहल्ला हम लोग का जैसे सुहास नगर है पूरा भर जाता है, बहुत स्थिति खराब रहता है पानी वानी के टाइम में। और बाकी जो है नौकरी जो बेरोजगार के, तेजस्वी तो कह रहे 1 करोड़ नौकरी देने की बात, वो अच्छे नेता हैं मगर दे तो नहीं रहे, तो वही चीज का इस बार बदलाव के मूड में पूरा पूरा। देखिए पूजा, इस वक्त पूर्णिया का मूड बदला हुआ है और बदलाव के मूड में है। लोग चाहते हैं कि पूर्णिया इस बार सांसद बदलेंगे, लेकिन कल जब ईवीएम का बटन दबेगा और शाम होते होते जो भी प्रत्याशी हैं उनके भविष्य उनके कैद ईवीएम में होंगे और 4 जून के आएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा और साफ हो जाएगा कि पूर्णिया क्या चाहता है। पूरे देश की निगाहें पूर्णिया पर ही टिकी हुई है, भले 5 जिलों में चुनाव है और 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव है बिहार में, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की हो रही है, किसी सीट की हो रही है, तो वो है पूर्णिया। जी पूजा जी, हाँ संजय, बात हो रही है बिहार में केवल और केवल पूर्णिया सीट को लेकर, क्योंकि वो काफी ज्यादा हॉट सीट बन चुकी है। और जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे कल 26 अप्रैल की, तो 13 राज्यों के 88 सीटों पर कल मतदान होंगे और कई दिग्गज नेताओं की किस्मत जो है वो जनता ईवीएम में कैद करेगी और 4 जून को उन सभी दिग्गज नेताओं की किस्मत जो है वो खुलेगी और उस दौरान पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे अपना समर्थन दिया, किसे अपना प्यार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार की तमाम जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से आपको बता दें कि सपा ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यहां पर नामांकन कर लिया है, कन्नौज से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यहां पर लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का टिकट उन्होंने काट कर खुद वहां पर नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने सबसे पहले उनका नाम जो है वो यहां पर जारी किया था उस सीट से प्रत्याशी के रूप में, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी सीट पर एक बार फिर से मैदान में उतरने का फैसला लिया और आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। तो 26 अप्रैल कई सारे दिग्गज नेताओं के लिए काफी बड़ा दिन है और जनता जो है वो उनकी किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। अब एक ईवीएम का बटन दबाकर आखिर जनता किसे इस बार चाहती है, क्या कुछ उनका मुद्दा रहा होगा और किस चीजों को वो देखी होगी, मोदी जी के 400 पार के नारे को और साथ ही साथ गारंटी को, या फिर राहुल गांधी ने जो 5 गारंटियां गिनाई है, भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर कई अन्य चीजों को उन्होंने यहाँ पर गिनाया, और देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसे चुनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम भारत की बात में हमारे साथ इतना ही, कल फिर ठीक इसी समय लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।